नमस्कार साथियों, आज अनशन का 13वां दिन है और कल झुंझुनू से तबीयत बिगड़ने की वजह से जयपुर रेफर किया था। तो कल शाम को मैं मेडिसिन वार्ड में एडमिट हुआ जिसके हालात बहुत ख़राब थे। मेडिसिन वार्ड से मुझे आज दोपहर बाद और सेहत में गिरावट आने की वजह से डॉक्टर्स ने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। तो आपकी 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 दी हुई ताकत है, आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की अभी तक मैं डटा हुआ हूँ। आज पूरे दिन विभिन्न पार्टी के नुमाइंदों में से मिलना है, मेरी सेहत, मेरा हाल चाल लेने, और सरकार की तरफ से डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी विधायक हैं, सलाहकार भी हैं मुख्यमंत्री जी के, वो शाम को आए हमारे मांगों के संबंध में। तो उन्होंने बताया कि हमने मांगे रखी उनके सामने, चार हमारी मुख्य मांगे थी, तो उसमें से एक मांग तो हमारी पूरी हो चुकी है जो हम शुरू से रख रहे थे, ये डीपी जरौली का, उसका इस्तीफा लिया जाए। तो वो मांग पूरी हो गई है, तो तीन मांगे हमारी और शेष रह गई थी। एक तो कमेटी का गठन, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में जितनी भर्तियां होती है राजस्थान में RS से लेके नीचे लेवल तक की, उनमें स्थायी सुधार हेतु एक कमेटी का गठन हो। दूसरा था ये राजस्थान जो रिट हुई थी पिछले साल, राजस्थान SI, GN लाइब्रेरियन, इनकी CBI जांच हो, परीक्षा रद्द हो। तीसरी जो है वो जो आगामी विधानसभा सत्र आएगा उसमें नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून, जो हम उसके बता चुके हैं कितने साल की क्या होना चाहिए, नॉन मिलेबल ऑफेंस की श्रेणी में, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि हम आपकी एक मांग CBI इंक्वायरी को छोड़ के जो दूसरी मांगे हैं उन पर विचार करेंगे। पुख्ता कोई उन्होंने ऐसा आश्वासन नहीं दिया, बोले हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, पर ये आपकी CBI इंक्वायरी वाली मांग हम नहीं मान सकते। तो हमने कहा कि हम अपनी मांग पे कायम हैं, CBI इंक्वायरी की जांच बहुत जरूरी है, जो सच में दोषी है वहां तक पहुंचने के लिए जो सही मायने में मास्टरमाइंड है उसकी धर पकड़ के लिए। तो हम अपनी मांगों पे कायम हैं, डटे हुए हैं। वो आश्वासन देकर यहाँ से चले गए। अब ICU में हूँ और सेहत में गिरावट आ रही है, डॉक्टरों के कहने के अनुसार कीटोन बॉडी काफ़ी बढ़ी हुई है और काफ़ी थोड़ा वीकनेस भी महसूस करने लगा हूँ। स्टूडेंट्स और युवा भी फोन करते हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर आप रहेंगे तो लड़ाई रहेगी, अपने शरीर को बचा के रखना, अपने आप को बचा के रखना। तो मैं उनको, वो इतनी चिंता जो करते हैं मेरी, उनके लिए उनको शुक्रिया बोलता हूँ, तहे दिल से उनको धन्यवाद बोलता हूँ। तो साथियों लड़ाई जारी रहेगी, जो हमारी जायज मांगे हैं, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, उसके लिए हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।